14 चौके की मदद से 58 रन बनाए। एशिया कप के सुपर फोर में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला, 3 बजे दोपहर में शुरू होगा मुकाबला। सुपर फोर में पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करके टीम इंडिया के हौसले बुलंद, श्रीलंका पर जीत के साथ पक्का हो सकता है फाइनल का टिकट। सुपर फोर की अंक तालिका में एक मैच जीतकर 2 अंकों के साथ टॉप टीम इंडिया, श्रीलंका 2 अंकों के साथ दूसरे, पाकिस्तान 2 अंकों के साथ तीसरे और बांग्लादेश बिना खाते चौथे पायदान पर। सुपर फोर में भारत श्रीलंका को अब भी खेले हैं 2-2 मैच, पाकिस्तान बांग्लादेश का सिर्फ 1-1 मैच बचा है। 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला। बांग्लादेश को छोड़कर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के पास है फाइनल में प्रवेश का मौका। भरतपुर में बस एक कार की टक्कर से 6 की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीतामढ़ी में नाबालिग से जबरन देह व्यापार की जानकारी के बाद कार्रवाई, छानबीन जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पुलिस ने फर्जी IPS अधिकारी को किया गिरफ्तार, आरोपी से चल रही पूछताछ। थूथुकुड़ी में दलित रसोई ने पकाया खाना तो छात्रों ने नहीं खाया खाना, CM ब्रेकफास्ट के तहत पकाया गया था भोजन। उधमपुर में तेंदुए का कोहराम, मजिस्ट्रेट ने आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के दिए आदेश। रामबन में पहाड़ी से चट्टाने के सकने से 4 की मौत, हाईवे पर मलबे की चपेट में एक ट्रक आने से हुआ हादसा। मेरठ में आर्मी में मेजर से मांगी गई 20 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस हाकर्स की तलाश में जुटी। लुधियाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की, 2 गिरफ्तार। हरिद्वार में एक ही दिन में 2 हत्याएं, पुलिस छानबीन में जुटी। आगरा के ऑर्थोपेडिक सर्जन के घर से नर कंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा। UP में फर्जी तरीके से पैरामेडिकल कॉलेजों का बड़ा खुलासा, पुलिस ने कारोबार किया गिरफ्तार।